अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। ऑयल लिया है मैंने 3 चम्मच। 500 ग्राम मैंने गुड़दा कलेजी ली है, इसको मैंने अच्छे से धो के काट लिया है। अब हम इसे ऑयल में ऐड कर देंगे। बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप भी ट्राई करना, ज़बरदस्त सी रेसिपी है। पानी खुश्क होने तक मैंने फ्राई करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। दो तीन हरी मिर्च मैंने काट के ऐड कर दिए और 3-4 जवे मैंने इसमें लहसुन के ऐड कर दिए। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया और अदरक ऐड कर दूंगी। दो अदद टमाटर मैंने काट के वो ऐड कर दिए हैं। अब कवर लगाकर हम इसे 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल गल जाएं। टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। 1 हरी मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने इसमें मसाले बिल्कुल भी ऐड नहीं किए, बस धनिया ऐड किया है और हरी मिर्च ऐड की है, और ज़्यादा मसाले मैंने इसमें ऐड नहीं किए। वैसे ही बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। अब मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी पे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।